तो आज के इस वीडियो में हम आज एक होम सर्किट बनाएंगे, जो घर का वायरिंग होता है कॉलेज प्रोजेक्ट में, उसे हम आज बनाएंगे। तो उसका सर्किट बोर्ड कैसा होगा और उसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे और कौन कौन से कंपोनेंट उसमें हम देंगे और क्या टूल्स इस्तेमाल करेंगे वो पहले देख लेते हैं, फिर हम आगे काम करेंगे उस पर। तो बेसिकली जो कंपोनेंट है वो एक स्विच बोर्ड है जिसमें कि 7 स्लॉट है, जिसमें कि 2 सॉकेट, बाकी 3 स्विच और एक इंडिकेटर रेगुलेटर के साथ हम करेंगे। तो होम सर्किट में हम यहाँ पे एक फैन, एक लाइट, एक 2 सॉकेट, इस टाइप का कुछ सर्किट बनाएंगे। और उसके लिए जो कंपोनेंट्स है, पहला ये रहा, सेकंड ये स्विच और रेगुलेटर और इंडिकेटर यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने को, और थर्ड है ये 1.5 mm का जो वायर होता है, ये वायर है PVC वाला। मैंने 2 कलर लिया है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि लाइफ टायर और आपका जो न्यूट्रल होता है उसे शो करने के लिए। तो हम रेड को एज ऑलवेज यूज़ करेंगे यहाँ पे लाइफ तार के हिसाब से। और मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ पहले तो ये वायर स्ट्रिपर, इससे वो आपको वायर जो स्ट्रिप करने में इजी हो जाएगा आपके लिए, एंड आपको और कोई टूल्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। और एक स्क्रू ड्राइवर, एक सीजर, आपके पास अगर ये नहीं है तो आप ये इसे भी इस्तेमाल कर सकते हो और कोई दिक्कत नहीं है, काम हो जाता है। और एक इस टाइप का नाइफ, और एक टेस्टर, और एक स्क्रू ड्राइवर व्हाटएवर, और एक छोटा स्क्रू ड्राइवर मैं रख लेता हूँ, काम आ जाता है। और आपको आगे भी काम करने के लिए इस टाइप का जो हैक्सो ब्लेड का छोटा होता है वो आपको लगेगा, तो वो आप देख लेना अपने हिसाब से। मेरे पास हैक्सो जो है पर मुझे मिला नहीं, सो मैंने इस ब्लेड को रखा फिलहाल के लिए, बस फिलहाल के लिए इतना ही लगेगा। और आगे जो भी लगेगा मैं आपको बता दूंगा, आगे मैं इसे कैसे कैसे फिट करूंगा और कैसे कैसे फिट करूंगा। सो फिलहाल हम सबको अनपैक करते हैं और आगे का कनेक्शन सब देखते हैं। मैं इसे सबको माउंट कर लेता हूँ पहले, फिर आपसे मिलता हूँ। सो गाइस, पूरा सिस्टम बनने के बाद, मतलब सबको फिक्स करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मेरे 2 सॉकेट, 3 स्विच और एक फैन का रेगुलेटर और एक इंडिकेटर मैंने फिक्स कर दिया यहाँ पे, और बैकग्राउंड से कुछ ऐसे दिखेगा। अब हमें करना है कनेक्शन, तो कनेक्शन बहुत ही इजी है, कनेक्शन में कुछ बहुत बड़ा बात नहीं है। आप अगर थोड़ा सा फॉलो करोगे ट्रिक एंड जो कनेक्शन है, थोड़ा सा अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत बड़ा कोई बात नहीं कनेक्शन करना। एंड हम ये जो स्विच है ये दोनों को एक साथ कर देंगे, और ये दोनों का स्विच एक होगा, ये होगा लाइट का स्विच और ये होगा फैन का स्विच, ठीक है, एंड ये इंडिकेटर एंड रेगुलेटर। और जो रेगुलेटर के साथ जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, तो मैं आपको आगे दिखा दूंगा डायग्राम बना के और फुल सिस्टम, एंड बाकी जो है सिंपल है, बाकी जो करना है सिंपल है। चलिए करते हैं, तो अभी आते हैं आपका यहाँ पे एक डायग्राम के साथ, आई होप आपको डायग्राम दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे 220 वोल्ट AC है, ये जो कनेक्शन है ये फैन का जो कनेक्शन है वो है फैन, और रेगुलेटर स्विच के साथ ये कनेक्शन मैंने किया है यहाँ पे। तो 220 वोल्ट AC है, फैन का 2 पॉइंट है, यहाँ पे स्विच का 2 पॉइंट है और रेगुलेटर का 2 पॉइंट है, जैसे कि आप देख सकते हो रेगुलेटर का 2 पॉइंट और स्विच का 2 पॉइंट। और यहाँ पे हम 220 वोल्ट AC लाएंगे और फैन का कनेक्शन है यहाँ पे, यहाँ से हम निकालेंगे और फिर आगे जाके उसको हम कनेक्शन देंगे बोर्ड पे, जब उसे हम करेंगे तो आगे हम उसे कनेक्शन वहाँ से देंगे। तो यहाँ पे देखिए आप फैन का जो कनेक्शन है, ये जो है ये फेज है, ये फेज है यानी कि लाइफ, और ये जो न्यूट्रल है, तो
आप देख सकते हैं न्यूट्रल को मैंने यहाँ से, देखिए न्यूट्रल है, माइनस माइनस है, तो मैंने इसको यहाँ से सीधा कनेक्शन दे दिया फ़ैन का, क्योंकि मुझे इसे काटना नहीं होता है, ये इन होता है, तो इसे मुझे डायरेक्ट फैन से जोड़ दिया है। अब जो पॉजिटिव वायर है यानी कि जो लाइव वायर आ रहा है, उसे मुझे पहले स्विच में देना है। पहला पॉइंट उसका फेज, स्विच का जो ये वाला पॉइंट है उसमें देना है हमको। एंड अगेन जो स्विच का सेकेंड पॉइंट है यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से ये जाएगा फिर इसमें, यानी कि इसका एक कनेक्शन इसमें चल जाएगा और इसका एक कनेक्शन फैन में और इसमें एक फेज आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे, इसे फॉलो कर लेना, हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। मैंने इसका जो नेगेटिव है वो मैंने डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया 220 वोल्ट पे, डायरेक्ट दे दिया फैन को। एंड पॉजिटिव जस्ट स्विच होकर गया है, स्विच में पहले आया है, देन स्विच में फिर रेगुलेटर में आया है, और रेगुलेटर से एक पॉइंट फैन में चला गया। तो जस्ट ईजी है, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर काम कर सकते हो। एंड अब आते हैं सिंपल एक डायग्राम पे जिसको हम आगे फॉलो करेंगे। तो 220 वोल्ट एसी है, अब यहाँ पे सॉकेट हो या फिर एक बल्ब लगा दे हम या फिर कुछ और इक्विपमेंट को चलाना हो, सपोज दैट, तो मैंने यहाँ पे सॉकेट ड्रॉ कर लिया, एक सॉकेट है, इस पर सॉकेट एंड यह स्विच है, ठीक है। सो यहाँ पर 220 वोल्ट मैंने इन दिया है, तो जैसे कि आप देख सकते हो अगेन यहाँ पर नेगेटिव है, तो मैंने इसे डायरेक्ट सॉकेट पर दे दिया है। एंड पॉजिटिव को मैंने पहले स्विच में दिया है, एंड स्विच से होकर नेगेटिव में, क्योंकि हमको पॉजिटिव को कट ऑफ करना होता है, हमने स्विच ऑफ करते हैं तो पॉजिटिव कट ऑफ होता है एंड नेगेटिव एज वेल एज रहता है, कोई दिक्कत नहीं है नेगेटिव से, क्योंकि ये न्यूट्रल वायर होता है, तो ये इससे आपको कोई खतरा या कोई किस्म का डर नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे इसे कट किया और इसे रहने दिया, जस्ट सिंपल है। हम आगे इसी को फॉलो करेंगे हर एक सर्किट पे, एंड अभी तो हम फिलहाल इसे यहाँ पे कनेक्शन करेंगे, तो हर एक पॉइंट के लिए हम यहाँ पे वायर छोड़ देंगे और पॉइंट छोड़ देंगे, आगे फिर हम उसे जैसे कनेक्शन करूँगा मैं आपको बता दूंगा फिर कौन सा पॉइंट पे क्या क्या लगेगा, लेकिन बेसिक सर्किट यही है, इसे आप फॉलो करोगे तो आप खुद से भी कर सकते हो ये काम, बहुत ईजी। तो आइए करते हैं आप। कुछ कनेक्शन कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको, सब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ऐसे क्या है यहाँ पे। तो ये जो सॉकेट है यहाँ पे, दो सॉकेट है और जो सॉकेट को मैंने एक साथ कंबाइन कर दिया एक स्विच के साथ, क्योंकि स्विच मेरे पास एक ही है, तो मैं यहाँ पे दोनों का कंबाइन कर दिया एक साथ। अगर आप चाहो तो दोनों को अलग अलग तरीके से कनेक्शन कर सकते हो, दोनों का अलग अलग इंडिविजुअल स्विच हो सकता है, बट मैंने यहाँ पे दोनों कंबाइन कर दिया है, लेकिन एक ही स्विच दोनों ऑपरेट होगा, और स्विच ऑन करेंगे तो दोनों का ऑन हो जाएगा, ऑफ दोनों का ऑफ हो जाएगा। एंड सेकेंड स्विच जो है एलईडी का मैंने रखा है, और ये स्विच फैन के साथ रेगुलेटर का है और इंडिकेटर। सो इंडिकेटर का मुझे कंटिन्यू रन कराना है, यानी कि इंडिकेटर इंडिविजुअली जलता रहेगा, इसका कोई स्विच नहीं है, मतलब अगर पावर आपका घर में पावर है तो ये जलेगा, और पावर कट है तो ये ऑफ हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट है विदाउट एनी कनेक्शन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको फेस को काटना होता है और एन को छोड़ देना होता है, यानी कि जो नेगेटिव पॉइंट है उसे आपको छोड़ देना होता है, उसे काटने की जरूरत नहीं, वो डेंजर नहीं होता है। तो यहाँ पे जो ऊपर का पॉइंट होता है स्विच का, उसे हमें फेस देना होता है वहाँ पे, एंड नीचे का पॉइंट में जो होता है उसे हम वहाँ से हमें ऑब्जेक्ट में जो भी कंपोनेंट है हमारा बल्ब फैन वगैरह, उसे हम वहाँ से हमें सप्लाई देना होता है। तो मैंने आपको दिखा दिया ऑलरेडी जो कनेक्शन है, मैं आपको आगे भी इसका कनेक्शन दे दूँगा, आप वीडियो को वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके देखते रहना, वीडियो को पूरा देखते रहिए, आपको समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पे जो दोनों कनेक्शन कर दिया है, और फेस को यहाँ से हम कट किया है, यहाँ पे जैसे ही देख सकते हो आप, ये फेस यहाँ से आया है, यहाँ पे फेस है, मैं स्विच जैसे ही ऑन करूँगा इसमें लाइन आ जाएगा, और यहाँ पे जाके कनेक्शन ये कंटिन्यू हो जाएगा, और इनको इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया, जैसे कि देख सकते हो आप, ये दोनों को मैंने जो नेगेटिव पॉइंट है उसे डायरेक्ट कर दिया है, और ये कंटिन्यू होकर यहाँ पे आया है, क्योंकि मुझे बोर्ड में और कहीं पे कोई कंपोनेंट नहीं चलाना है, ये दोनों सॉकेट और इसके सिवा, तो मुझे और भी कहीं यहाँ पे नेगेटिव वायर की जरूरत नहीं है, बाकी जो कनेक्शन है नेगेटिव कॉमन हो जाएगा फुल सिस्टम में, जो कि बोर्ड में जब फिक्स करूँगा तब आपको बता दूंगा तब कि जो कॉमन लाइन है वो कैसे जाएगा, यानी कि नेगेटिव कंटिन्यू कॉमन रहेगा सब में, और जो पॉजिटिव मैं काट के मैं स्विच के होके वो जाएगा पूरा कनेक्शन में। तो यहाँ पे जो फैन का कनेक्शन है वो कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ पे जब मैं
यहाँ पे कनेक्शन दूंगा तो यहाँ पे पूरा कंटिन्यू कनेक्शन आ जाएगा और जिसमें भी आप स्विच देंगे काम करने लगेगा। तो यहाँ पे मैं कनेक्शन दूंगा फेस 220 वोल्ट एसी में, तो यहाँ पे लाइन आ जाएगा और ये कनेक्शन यहाँ पे आ जाएगा और फैन का जो एक पॉइंट है वो चल जाएगा आपका नेडी के साथ कॉमन हो जाएगा और ये एक फेस बचा रेगुलेटर से आउटपुट, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग। मैं आप दिखा दूँ डायग्राम के अकॉर्डिंग, देखिए नेगेटिव जो लाइव वायर है उसमें कनेक्शन मिल जाएगा रेगुलेटर से और यहाँ पे जो नेगेटिव वायर है वो कंटिन्यू कनेक्शन हो गया है फैन से, तो एज यूजुअल। और यहाँ पे आपको ये हो गया है कनेक्शन और यहाँ पे आएगा बल्ब का कनेक्शन एलईडी, ठीक है, जो यहाँ पे ये कॉमन हो जाएगा और मैंने ये कनेक्ट कर ही दिया है, तो आपको समझ में आया होगा, आगे आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आपको अपने मुझे इस बोर्ड पे इस बोर्ड को फिक्स करना है, इस बोर्ड को क्योंकि कॉलेज पढ़े थे ओके, तो इस बोर्ड पे इस बोर्ड को फिक्स करने के लिए आपको कुछ पावर टूल का जरूरत होगा जिसका नाम है ड्रिल। तो हम कुछ छोटा मोटा ड्रिल कर लेंगे, फोर पॉइंट है देखें तो 1 2 3 4 4 पॉइंट है, इस फोर पॉइंट पे स्क्रू को बेस पे हम यहाँ पे ऑन कर लेंगे, आपके हिसाब से कहीं भी फिक्स कर सकते हैं, मुझे यहाँ पे सही लग रहा है तो मैं यहाँ पे फिक्स करूँगा और मैं भी यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। सो अब नेक्स्ट मैं आपको इसे माउंट कर बताता हूँ फिर आपको मिल जाए। तो हेलो गाइस, तो फिट होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, यानी कि 40 स्क्रू टाइट कर लिया है और आप दिखा दिया आपको टाइट हाफ इंच है, जैसे देख सकते हो आप मैंने यहाँ बना लिया है बाएं पास कराने के लिए, ठीक है। और एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ भी अगर फिट करोगे तो किस पर फिट करना आपको, यानी पहले इस कॉर्नर से इस कॉर्नर फिट करना होगा, देन इस कॉर्नर से करना, तो प्रॉपर बैठेगा और अच्छा बैठेगा और बैक साइड क्वेश्चन का आपको देखने मिलेगा, बहुत ही मिलेगा फिक्स किया है। तो आगे भी मैंने और भी दो तीन बॉक्स मेरे पास, उसे भी करना पड़ेगा मेरे खोलने के लिए और एक सीलिंग के लिए फैन के लिए, तो मैं वो भी निकाल के दिखाता हूँ। इस टाइप का बॉक्स आपको फिट करना पड़ेगा, एज सेम मैं आपको दिखाई देता हूँ, बड़ा हो जाएगा। अच्छा मैंने इसे फिट किया था मेरे मेजरमेंट के थ्रू, देखिए आपको यहाँ पे दो पॉइंट देखने को मिल जाएगा, छोटा है क्योंकि दो पॉइंट के लिए फिट करना है, बाकी मर्जी के साथ आप कहीं भी फिट कर सकते हो बड़े बच्चों पर। और एक ये है सेम आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपको इसको फिट करना है और ये दोनों कैप के ऊपर आपको एक सीलिंग और एक होल्डर फिक्स होगा, यानी कि फैन के लिए एलईडी के लिए, वो भी आप उसमें लगा सकते हो, इसका पॉइंट आप लगा सकते हो। और फिर कनेक्शन आपको दिखाता हूँ और उससे बाद मैंने फटाफट से मैंने फिक्स कर देता हूँ, 10 मिलता हूँ। सेम प्रोसीजर सेम है, सेम आपको मेजरमेंट लेना है, स्टेट देखना है, मैंने या यहाँ आपको ग्रुप काटना है या होल करना है, आप ग्रुप काट सकते हो होल भी कर सकते हो और फिर आपको इसमें मेजरमेंट लेके आपको अकॉर्डिंग टू होल करना, फिर उसको टाइट कर देना है, ऐसे और कोई बहुत कुछ नहीं है, मैं आपको करके मिलता हूँ। सब कंपोनेंट फिक्स करने के बाद सब फिक्स में बिल्कुल ऐसा दिखेगा, यानी कि एक सीलिंग रोज के लिए, एक होल्डर के लिए, एक एमसीबी और एक बोर्ड के लिए। तो अब हम कनेक्शन के कनेक्शन करेंगे और कनेक्शन करने के लिए हम यूज़ करेंगे इस टाइप का 3/4 टाइप साइज का अक्के से, क्योंकि आप वहाँ पर हम पूरे तरीके से इसे हम ड्रिल करके और उसमें हम फिक्स करेंगे। एक्चुअली ये कुछ दिखता है इस तरीके से, ये इसका अपर कैप है एंड ये इसका जो इसे हम फिक्स करते हैं और ये फ्लेक्सिबल रहेंगे, खुलता है और ये रहता है चैनल टाइप का ये, एंड इसे हम होल द बोर्ड इसे हम फिक्स करेंगे इस तरीके से और थोड़ा प्रिसाइजली काम करेंगे हम, तो देखने में खूबसूरत लगेगा और किस तरीके से ये हो। उसके बाद हम इसे फिक्स करने के बाद आपसे हम कनेक्शन बता पा। हेलो गाइस, सो अब सब कुछ फिक्स हो जाने के बाद कुछ इस टाइप से दिखेगा, मैंने पूरा केसिंग और ये भी बोर्ड था, ये एमसीबी वाला, ये सीलिंग रोज और एलईडी और ये भी बोर्ड था, मैंने फिक्स कर लिया है, ठीक है। अब पार्ट है कनेक्शन का, मतलब कनेक्शन ये मैंने कर यहाँ पे हाफ कनेक्शन करके रखा है, तो इस बोर्ड पे फुल कनेक्शन आएंगे और ये फुल होगा, फुल फिल होगा, ठीक है। ये मैंने एक एलईडी का रखा है और यहाँ पे एक फ़ैन का लगेगा और यहाँ पे कनेक्शन आएगा, तो यहाँ पे हम सॉकेट दोनों वर्क करेगा, इसके बाद हम यहाँ पे कनेक्शन करने जाने वाले हैं। तो कनेक्शन के लिए अब ये दोनों कैप है इसका, इस तरीके से देखने को लगेगा आपको, एंड एलईडी के लिए होल्डर एंड साइन और एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए सीलिंग बॉक्स। अब हम ये दोनों पॉइंट को एक यहाँ पे और यहाँ पे यूज़ करेंगे, उसके बाद हम कनेक्शन करेंगे और फिक्स करने से पहले हमें दो ड्रिल करना होगा यहाँ पे और यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर हम इसको जो कनेक्शन है पास कर सके और यहाँ से इसे
कनेक्शन करते हैं। सो गाइस यहाँ पे ये होल करने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा एंड आपको इसमें बड़ा सा बीच में होल करना है, क्योंकि इसमें आपसे जो वायर पास होगा यहाँ सबको वायर पास करना है इसके आउटर बॉक्स के अंदर से, फिर यहाँ से जाएगा। सो थोड़ा केयरफुल होकर काम करना है आपको, वरना गलती हो जाता है बहुत खोलना पड़ेगा आपको। सो यहाँ पे दो छोटे छोटे कूटे एक बड़े कूटे कर लिए एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट शॉट पे इसे फिक्स करने के बाद। हेलो गाइस, सो मैंने यहाँ पे सब कुछ फिक्स कर दिया, यहाँ पे भी फिक्स कर दिया, यहाँ पे भी फिक्स कर दिया है। ये सीलिंग रोज और होल्डर फिक्स हो चुका है एंड मैंने थोड़ा सा कनेक्शन भी किया है। मैं आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि मैं आपको पता होगा ये जो स्विच है मैंने रखा था LED के लिए, जो देखिए मैंने यहाँ पे जो पीला वायर है यहाँ पे इसे मैंने कॉमन किया है, यानी कि नेगेटिव भी है। ये जो कनेक्शन है ये न्यूट्रल है, तो इसे मैंने कॉमन कर दिया है और इसे यहाँ से कॉमन करके यहाँ से मैंने इसे नेगेटिव में जोड़ दिया है। यानी कि पीला जो वायर है ये नेगेटिव है, जो यहाँ पर यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। जो रेड वायर है एक कनेक्शन बल्ब का एक सीलिंग रोज का, ये मैंने देखिए जैसे कि बताया था आपको अकॉर्डिंग टू द चार्ट आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया है। और एक जो वायर था सीलिंग रोज के लिए और सॉरी LED के लिए वो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो देखिए दो वायर कनेक्ट हो चुके हैं जगह पे और जो नेगेटिव वायर है यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो इतना तो कम्प्लीट है, हम यहाँ पे NCB से कनेक्ट करेंगे और इसका आगे भी कनेक्शन करेंगे। फिलहाल इतना से कम्प्लीट है, तो मैं यहाँ पे इसे क्लोज कर दूँगा, जो अपर पोर्शन है इसका उसे क्लोज कर दूँगा इसे देखे और ये एंड आगे कनेक्शन करेंगे। हम इसे मेन पावर देंगे एंड फ्यूज कनेक्शन करेंगे MCBs के साथ। इसके साथ इसे हम सो गाइस इसका कनेक्शन मैंने नीचे से ले लिया एंड यहाँ से मैं फाइनल कनेक्शन जो कि बाहर चल जाएगा बोर्ड में कनेक्शन हुआ, तो वो बाद में दूंगा। फिलहाल इसे कनेक्ट करता हूँ, तो मैंने जस्ट यहाँ पे ऐसे इसे राउंड करके और इसके फेसिंग के थ्रू अंदर से और मैं इसे अंदर से ले लूँगा। तो कुछ भी ज़्यादा सोचना नहीं है और देखिए यहाँ पर ये कनेक्शन आ गया इंडिकेटर में, जो मैंने इंडिकेटर से ही पूरा कनेक्शन सबको दिया है। देखिए पूरा फेस कनेक्ट कर दिया है और स्विच ऑन होगा तो ये भी ऑन हो जाएगा, तो कनेक्शन सबको चल जाएगा। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ तो फेस पूरा आ जाएगा, पूरा बोर्ड पे फेस आ जाएगा। तो गाइस ये कनेक्शन हो चुका है यहाँ से, अब वो जो कनेक्शन है ये फाइनल कनेक्शन ये मैं इन पे दूंगा। कनेक्शन चल हो गया है यानी कि यहाँ से वहाँ पर जो कनेक्शन मैंने ले लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कंटिन्यू की टेस्ट करके। तो देखिए अब यहाँ से लेके फिर आपको फोन मिलेगा, ठीक है, फिर ऑन कर देंगे। कनेक्शन ओके है, तो ऑल ओवर कनेक्शन हो चुका है एंड जो नेगेटिव वायर है वो मैं सीधा लेके आऊँगा और यहाँ पे कनेक्ट कर लूँगा, क्योंकि नेगेटिव पर मुझे MCB में नहीं लगाना और डबल पोल मेरे पास है, तो फिलहाल मैं सिंगल पोल पे काम कर रहा हूँ। तो मैं अगर फेज ही यहाँ पे कट ऑफ कर दूँगा तो ही काफ़ी है, मुझे उतना ज़्यादा जरूरत नहीं यहाँ पर थोड़ा ऑफ करने का। तो नहीं अब हम इस बोर्ड को क्लोज कर सकते हैं नेगेटिव आने के बाद। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हमने पूरे सिस्टम को कॉम्पैक्ट तरीके से रेडी कर दिया है, ठीक है। अब आते हैं टेस्टिंग करते हैं। तो देखिए अगर मैं लाइट स्विच देता हूँ तो लाइट जल रहा है, ठीक है, ऑफ कर दिया मैंने। और यहाँ पे मैंने जो फैन का स्विच है उसे दे रखा है एंड जब ऑन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे रेगुलेटर ऑफ कर दिया, कोई वोल्टेज यहाँ पे नहीं आ रहा है। मैंने इसे मल्टीमीटर से लगा कर रखा है, तो चेक करने के लिए आप रेगुलेटर को थोड़ा थोड़ा ऑन कर सकते हैं। ये वोल्टेज बढ़ रहा है, फुल कर देने पे 233 वोल्ट जो मैक्सिमम वोल्टेज है एसी का वो आपको मिल जाएगा। फैन के मेरा जो सिस्टम है वो फुल फिल, यहाँ पे अगर मेन गिरा देता हूँ मैं, यहाँ पे मेन गिरा दिया मैंने वोल्टेज आना बंद और नहीं इंडिकेटर पर काम करता है।
So then that's it for now. Thank you.